तो हर नंबर अपने आप में खास होता है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिन्हें गुड लक की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा ही एक नंबर है जिसे मात्र याद रखने से आपके सारे काम आसान हो जाएंगे, कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं नंबर 786 की। इस्लाम धर्म में 786 को शुभ अंक माना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं में किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस्लाम में 786 का स्मरण किया जाता है। दरअसल इस्लाम धर्म में 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम होता है, अर्थात अल्लाह के नाम जो कि बहुत दयालु और रहमदिल है। इस्लाम धर्म को मानने वाले 786 अंक को बिस्मिल्ला का रूप मानते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि 786 का स्मरण करने के बाद शुरू किए गए हर काम में बरकत होती है। लोग इस अंक को सीधे अल्लाह से जोड़कर देखते हैं। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग इस नंबर को बेहद पवित्र और अल्लाह का वरदान मानते हैं। यही कारण है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले अपने हर कार्य में 786 को शामिल करते हैं। उनका मानना है कि जिस काम में 786 शामिल किया जाता है, उसके होने में अल्लाह की पूरी मर्जी होती है। अंक ज्योतिष के अनुसार 786 को परस्पर जोड़ने पर 7 + 8 + 6 = 21 प्राप्त होता है। अब यदि 21 को भी परस्पर जोड़ा जाए तो 3 प्राप्त होता है। 3 को करीब करीब सभी धर्मों में शुभ अंक माना जाता है।